नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कई बार हमारा प्यार हमसे दूर हो जाता है। वो इंसान जिसे हम हद से ज़्यादा प्यार करते हैं, वो हमसे दूरियां बना लेता है। जो कभी हमारा एक मिनट भी दूर रहना बर्दाश्त नहीं करता था, वो आज हमसे बात तक करके राज़ी नहीं होता, हमारा साथ उसे गवारा नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? कई बार वो खुद हमसे दूर जाना चाहता है, कुछ हमारे आपसी कलेश की वजह से दूरियां आ जाती हैं या कोई तीसरा हमारे बीच आ जाता है, इस वजह से वो हमसे दूर जाना चाहता है। लेकिन ऐसे में हमारा फ़र्ज बनता है कि अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हम अपने प्यार को अपने पास बांध कर रखें। और ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब हम किसी सही विधि का, सही प्रयोग का इस्तेमाल करेंगे, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। सही उपाय अगर हम प्रयोग करते हैं तो हम अपने प्यार को हमेशा के लिए अपने पास बांध कर रख सकते हैं। आज वो सही प्रयोग, सही उपाय मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आप अपने साथी को खोना नहीं चाहते, अपने साथी के साथ ही सारी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, झगड़ा किसी भी वजह से आ सकता है, पारिवारिक वजह से भी आ सकता है कि पारिवारिक वजहों से हमारा प्यार हमसे दूर हो गया है, या कोई दूसरा हमारे प्यार के बीच में आ गया है, उससे हमारा प्यार दूर हो गया है। तो वजह चाहे कोई भी हो, उपाय सिर्फ एक ही है जो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। सही तरीके से सरल विधि है और बहुत ही कम सामग्री, घर में जो हमारी सामग्री उपस्थित होती है उसी सामग्री से आपको ये उपाय करना है। इसके लिए कोई बाहर से जाके सामग्री नहीं लेनी। हमारी रसोई की आम वस्तु है लौंग। दोस्तों, लौंग तांत्रिक क्रिया से बहुत ही शक्तिशाली वस्तु है, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती है लौंग, अगर इस लौंग के साथ सही प्रयोग किया जाए। जी हाँ, अगर हम लौंग के साथ सही प्रयोग करते हैं तो ये वशीकरण, जो लौंग का वशीकरण होता है, इसका कोई काट नहीं होता, कोई भी इसे काट नहीं सकता, चाहे कोई बड़े से बड़ा तांत्रिक हो, मौलवी हो, कोई भी हो। अगर लौंग के साथ सही विधि, सही वशीकरण का प्रयोग किया जाए, सही तरीके से इसे किया जाए, तो आपकी जो विधि है वो बहुत प्रचंड हो जाती है और इसको ताकतवर बनाता है एक प्रचंड मंत्र। जी हाँ, एक शक्तिशाली मंत्र इसे और भी ताकतवर बनाता है। तो आइए आज मैं बताती हूँ कि किस तरह लौंग के माध्यम से आप किसी को वशीकरण में कर सकते हैं, किसी के दिमाग पर पूरी तरह काबू पा सकते हैं। और इसके लिए जो सामग्री की आपको आवश्यकता है वो सिर्फ इतनी है कि आपको चाहिए एक काला धागा और दो लौंग। जी हाँ, दो लौंग और काले धागे की मदद से ही आप किसी को वश में कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कैसे। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो लौंग है पूरी तरह साबुत होनी चाहिए, इस तरह पूरी तरह साबुत लौंग होनी चाहिए, फूल वाली लौंग होनी चाहिए। क्योंकि देखो, इसकी जो डंडी है ये तो सिर्फ हमें फ्लेवर देती है, लेकिन इसका जो फूल है ये हमें ताकत देता है। लौंग की जो पूरी ताकत होती है ना, वो इस फूल में होती है। अगर ये फूल लौंग में नहीं है तो ये लौंग बेकार है, किसी काम की नहीं है। ये फूल वाली लौंग ही ताकतवर लौंग होती है। तो आइए बताते हैं क्या करना है। आपको दो लौंग को, फूल वाली लौंग, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा, फूल वाली लौंग को हाथ पे लेना है और मंत्र का जाप करना है। तीन बार आपको मंत्र का जाप करना है, एक लौंग के ऊपर तीन बार, यानी दो लौंग हैं तो छः बार आपको मंत्र का जाप करना होगा। और वो मंत्र क्या है? ओम भीम हीम वश कुरु कुरु स्वाहा। ओम भीम हीम वश कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का एक लौंग पे तीन बार, एक लौंग पे तीन बार आपको इसका जाप करना है और इसको अभिमंत्रित करना है। अब अभिमंत्रित करने के बाद काले धागे की मदद से आपको इसमें इस तरह से गांठ लगानी है। ध्यान रखिएगा कि विधि करते वक्त आप जो है ये ध्यान रखिएगा कि जब आप ये विधि कर रहे हों तब आप उस व्यक्ति का ध्यान ज़रूर कीजिएगा जिसे आप वश में करना चाहते हैं। ये देखिए, लौंग को इसके साथ गांठ मार लीजिएगा, इसमें फंसा के आपने गांठ मारनी है दोनों लौंग को, और एक इसको पूरा गोल आपने धागा बना लेना है। अब इस धागे को ले जाकर, लौंग वाले धागे को ले जाकर आपको गाड़ देना है, और ऐसी जगह गाड़ना है जहाँ पे जंगल हो, जहाँ पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हों। ध्यान रखिएगा इस बात का कि जहाँ सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे हों आपके आसपास, कोई ऐसी जगह जहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ ले जाकर इस धागे को आपने गाड़ देना है। और इस विधि को पूरा करके वापस आते वक्त कभी मुड़कर मत देखिएगा।
चाहे कोई आपको कितनी भी आवाज लगा रहा है, आपका कितना भी जरूरी काम है, एक बार आप घर आ जाइए, उसके बाद दोबारा जाके आप अपने बाकी कार्यों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन जब आप ये विधि कर रहे हैं तो सिर्फ यही विधि कर रहे हैं, इसके साथ कोई और कार्य नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, इस मंत्र का जाप सही प्रकार से कीजिएगा, विधि सही प्रकार से अपनाइएगा, और अगर आप सही से अपनाते हैं तो आप जो हैं वो सभी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। अपने प्यार को, अपने खोए हुए प्यार को, जो आपसे दूर चला गया है, उसे आप वापस ला सकते हैं। इस बात का ध्यान जरूर रखेगा कि विधि को किसी भी गलत मंशा से नहीं करना। सिर्फ आकर्षण को प्यार मत समझ बैठिएगा कि आपको किसी के प्रति आकर्षण है तो वो आपका प्यार है। प्यार वो होता है जो दोनों तरफा होता है। जी हाँ, जब दोनों तरफा प्यार है, उस प्यार में दूरी आ गई है, तो उस दूरी को खत्म करने का ये तरीका है। इस तरीके को अपनाइएगा, सही मंशा और सच्चे भाव के साथ अपनाइएगा। तो आप अगर सच्चे भाव से ही अपनाते हैं तो कभी भी आपको निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा, कभी भी आपके जीवन में परेशानियां दोबारा नहीं आएंगी। और भी कोई समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, काफ़ी समय से परेशान है, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर गुरुजी को फ़ोन करें, क्योंकि गुरुजी के पास हर समस्या का समाधान है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान गुरुजी के पास ना हो। तो बिना समय बर्बाद करें गुरुजी को फ़ोन करें, अपनी समस्या का हल लें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं, अपनी ज़िंदगी को इतना खुशियों से भर लें कि लोग देख के ये सोचें कि इतनी खुशियां कैसे आ गई इनके घर में। पर ध्यान रखिएगा, आजकल लोगों की नज़र भी लग जाती है, तो अपने घर को नज़र से बचाना भी आपका ही काम है। तो इस विधि को सही तरीके से अपनाइए और अपने घर को खुशियों से भर लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, जय माता दी।